हेलो दोस्तों, आरबीएससी 10th क्लास सोशल साइंस 18 अप्रैल 2022 पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो कि 18 अप्रैल 2022 बोर्ड पेपर में हुबहू आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है, तो आप सभी के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बताने वाला हूँ, यानी कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका कौन सा आंसर है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताऊंगा, जो कि आपको 18 अप्रैल 2022 के पेपर में ये प्रश्न हुबहू मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है, तो बढ़ते हैं हम बिना किसी देर के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहां पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है। यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, चाहे कौन सा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो ध्यान से उस प्रश्न को पढ़े, उसको समझे, फिर इन सभी ऑप्शंस को देखे और इन ऑप्शंस को समझे, फिर आपको फाइनल जो है आंसर शीट में आपको आंसर लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, यानी खनन एक प्राकृतिक कारक नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, यानी सेकंड क्वेश्चन से, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी जो नवीकरण संसाधन नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लोह धातु क्या नहीं है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है, यानी किसके द्वारा भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा, नियंत्रित पशुचारण द्वारा, रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इन उपयुक्त सभी, यानी इन सभी के द्वारा भूमि निम्नीकरण की समस्या को सॉल्यूशंस किया जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100% इन सभी क्वेश्चन में से आपके जो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो 100% आपको इसी पीडीएफ में से मिलने वाला है। कपास मृदा रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो यहां पर कौन सी वो मृदा है, तो इसका आपको नाम बताना है, ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा काली मृदा, ठीक है, नहीं काली मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहां पर समुच जुताई करके, पट्टी कृषि करके, सोपानी कृषि करके, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा रोका जा सकता है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और यहां पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उपयोग नहीं किया गया हो वो क्या कहलाता है, यानी वो कौन से कहलाते हैं, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन, कौन से हो जाएंगे, संभावित संसाधन, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मृदा चित्र कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा खादर, क्या कहलाते हैं, अच्छी तरीके से यहां पर हर प्रश्न को। अभी तक आपने राजस्थान 10th क्लास सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है विद सॉल्यूशंस, यहां पर आप देख सकते हैं rjstudymonitor.com को विजिट करना है, आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहां पर 10th क्लास सोशल साइंस जो 18 अप्रैल 2022 का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो है वो विद सॉल्यूशन यहां पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहां पर सॉल्यूशन दिया गया है जो कि आपके पेपर में हुबहू मिलने वाले, तो जल्दी से विजिट कीजिए, यहां पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये सभी इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से रट लीजिए, यह आपका फाइनल रिवीजन होने वाला है। सतत पोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया, तो कहां पर किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, तो रियो डी जेनेरियो में यहां पर सतत पोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, रियो डी जेनेरियो में, नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा और इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि आपके नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार 10 से 11-12 प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपका जो है डर खत्म हो जाएगा, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो कितना प्रतिशत है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो 24.56, ठीक है, ये जो परसेंटेज है वो क्या है, वन भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा
सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। तो कब जो है भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। तो 1972 में कब किया गया, 1972 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा एक्ट जो है लागू किया गया, अप्लाईमेंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई। तो कब की गई बाघ संरक्षण परियोजना, कब जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 1973 में कब किया गया, 1973 में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले आप सभी के लिए, आपको ये प्रश्न हुबहू 18 अप्रैल 2022 सामाजिक विज्ञान के पेपर में हुबहू आपको ये प्रश्न मिलने वाला है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो यहां पर एकदम कंप्लीट यहां पर मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, अब राजस्थान में भी सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में, किस जिले में है, यानी राजस्थान के किस जिले में है, तो अलवर में है। क्लियर रखना, पूछा जा सकता है कौन से जिले में, तो अलवर याद रखना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी, चिपको आंदोलन, ठीक है आपको नाम से ही पहचान सकते हैं इस आंसर को। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर उत्तराखंड से, कहां से हुई थी, उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं। तो 1988 यहां पर आप देख सकते हैं, यानी 1988 से जो है यहां पर संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है, तो सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है, तो यहां पर एमपी का, यानी मध्य प्रदेश का, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं वे जातियां जो लुप्त होने के कगार पर हो चुकी है, यानी हो कहलाती है, जो लुप्त होने की कगार पर है वो कौन सी कहलाती है, यानी वो कौन सी है, संकटग्रस्त जातियां, पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में कि कौन सी जातियां है जो संकटग्रस्त जातियां है, तो वे जातियां जो लुप्त होने की कगार पर है उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, जैसे बाघ है उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, उद्योगों को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्राथमिक जो क्षेत्र है उनके क्या क्या यहां पर विषय है, जो द्वितीयक क्षेत्र है उनके क्या क्या विषय है, और जो तृतीयक क्षेत्र है उसके क्या क्या विषय है, और जो चतुर्थ क्षेत्र है उसके क्या क्या विषय, कंफर्म कर दीजिए 100% आपके 2-3 नंबर इससे कवर होने वाले हैं। तो यहां पर मैं पहला क्वेश्चन से आप सभी के सामने, उद्योग धंधे जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा, यदि क्लियर है। ठीक है, आप सभी का ये आंसर क्लियर है, यहां पर इसका सही आंसर द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, यहां पर प्राथमिक में कृषि आएगी, पशुपालन आएगा, लेकिन इसका जो है सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 2005 में, ठीक है, आपने गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी यहां पर ऑफिस है वहां पर लिखा भी होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, तो कंफर्म है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां नहीं है, देखो गतिविधियां नहीं है, यहां पर पूछा गया गतिविधियां, जल्दबाजी में ऐसा मत पढ़ लेना कि गतिविधि है या फिर आप इस कृषि का जो है वो सही करके आ जाओ, तो ऐसा नहीं है, ध्यान से मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है, समझना है, फिर आपको आंसर को देखना है और इन आंसर से मिलान करना है। यदि आपको आंसर डायरेक्ट आ रहा है तो आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन आपको एक बार जो है इसका जिक्र जरूर करना है, पढ़ना जरूर है, समझना जरूर है। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा संचार। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है, बाकी कृषि है, मत्स्य पालन है, डेयरी है, बहुत सारे पशुपालन वगैरह हो जाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र के विषय है। नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, यहां पर पूछा गया नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना है, नहीं है तो वो जाएगा संचार। ठीक है, बाकी बैंकिंग, परिवहन, उद्योग, जो सेवाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, वो किस में आती हैं, तृतीयक क्षेत्र में आएगी। कपास से कपड़ा बनाना कौन से क्षेत्र की क्रियाविधि गति हो जाएगी, गतिविधि हो जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आंसर का आपको आइडिया होना चाहिए, आपको आंसर देना आना चाहिए, कंफर्म रखना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं समझना है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर किसके अंदर आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अनुसार, क्योंकि एक प्रकार से यह भी क्या है,
एक धंधा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इन आदि से जुड़े हुए हैं। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, देखो नहीं है कहा गया है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा, तो डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जाएगा अल्प बेरोजगारी अधिकांश पाई जाती है, यानी अल्प बेरोजगारी अधिकांश किस में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि में, ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए रहने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी 1948 में जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई श्रीलंका राज्य को। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी ब्रुसेल्स में जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है, जो आपके 18 अप्रैल 2022 सामाजिक विज्ञान के बोर्ड पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, वही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप सभी को जो है यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाला है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर निशान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रामबाण पेपर होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए पेशेंस बढ़ाकर इस वीडियो को जो है एंड तक देखना है। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है, डच भाषी, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा आप सभी के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, फ्लेमिश हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, वो कौन सा सामाजिक समूह है जिसका क्षेत्र हिस्सा ज्यादा है, तो सिंहली, ठीक है, याद रखना है सिंहली, कंफर्म है, रट लीजिए। बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार होती है, तो वो कौन सी होती है, सामुदायिक सरकार होती है, ठीक है, उसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो 1956 में श्रीलंका में सिंहली जो लैंग्वेज है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, कन्फर्म हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 के मध्य अपने संविधान में 4 संशोधन किए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम संविधान में। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, सत्ता का सेंतीज वितरण, ठीक है ना, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे 18 अप्रैल 2022 सोशल साइंस पेपर के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको वो देखने को मिलेंगे, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आगे भी आपको जो है इसी तरह के मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस मिलेगा। थैंक